नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगे SBI बैंक के साथ कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, कैसे पता करना है। इस वीडियो में आपको बताएंगे SBI बैंक के साथ कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, कैसे आपको जानना है, इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों आप बहुत आसान तरीके से जान सकते हैं कि आपके पास जो SBI बैंक का खाता है उस खाते में कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर है, आप देख सकते हैं। और आपको जब पता चल जाएगा तो आप नेट बैंकिंग, गूगल पे, फोन पे चला सकते हैं उसी नंबर के माध्यम से। तो अगर आपको ये पता चल जाता है तो आप आराम से पेटीएम, गूगल पे, फोन पे चालू कर सकते हैं। अगर आपके बैंक में मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा तो आप ब्रांच जाकर के मोबाइल नंबर लिंक करा सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कैसे पता करना है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल ओपन करना है। गूगल में आपको सर्च करना है, PFMS लिखना है। जी हाँ दोस्तों, PFMS लिखना है आपको गूगल में, तो आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। PFMS वेबसाइट आपको गूगल में सर्च करना है और जो पहले नंबर पे आएगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो आपको SBI बैंक के साथ कौन सा नंबर लिंक है ये जानने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है, ये दो नंबर वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको अपना बैंक का नाम सेलेक्ट करना है, कौन सा आपका बैंक है यहाँ पर आपको सर्च करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे मैंने स्टेट लिखा तो यहाँ पर स्टेट आ गया है। अब यहाँ पर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो बैंक है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कैपिटल वर्ड में लिखा है, ध्यान दीजिएगा ये कैपिटल वर्ड में है, यही आपको बैंक है। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैपिटल वर्ड वाला है, उस पर टिक कीजिएगा। अगर दूसरा बैंक है तो आप दूसरा बैंक का नाम सेलेक्ट कीजिएगा, लेकिन ये वीडियो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए। यहाँ पर अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर हम आपको लाइव अकाउंट नंबर टाइप करके आपको दिखाते हैं। अकाउंट नंबर फिर से वही अकाउंट नंबर नीचे और 44, उसके बाद कैप्चा कोड है FD90, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आपने देखा बैंक का नाम सेलेक्ट किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर, कैप्चा कोड और यहाँ पे सेंड OTP वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके बैंक में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP भी आ चुका है, और जो मोबाइल नंबर इसमें रजिस्टर किया है यानी कि लिंक किया हुआ है यहाँ पे देखने को मिलेगा। हालाँकि यहाँ पर पूरा नंबर आपको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको 5 नंबर देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग का आपको 2 नंबर देखने को मिलेगा, लास्ट का 3 नंबर मिलेगा, यानी कि टोटल आपको 5 नंबर देखने को मिल जाएगा। और 5 नंबर आपका जो है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हाइड किया हुआ रहता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आपके बैंक के साथ कोई भी नंबर रजिस्टर नहीं है तो OTP नहीं आएगा और कोई भी नंबर शो नहीं करेगा, तो फिर आपको बैंक में जाकर के, ब्रांच से जाकर के मोबाइल नंबर अपडेट करना होगा। उसके बाद गूगल पे, फ़ोन पे आप एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक है, जो भी नंबर यहाँ पे शो करता है उस नंबर से आप पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे चला सकते हैं। अगर नंबर कोई शो नहीं करता है तो आप जो है सबसे पहले मोबाइल नंबर अपडेट करना होगा, उसके बाद आप जो है यहाँ पर ये फ़ोनपे, गूगल पे चालू कर सकते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा है और वीडियो को आगे शेयर कर दीजिएगा।